मेरे प्यारे भाई और बहन, का हाल चाल? सब बढ़िया ना? अच्छा जी, याद आया कुछ? फ्रैक्शन? हाँ भैया, फ्रैक्शन आज सीखना ही है हमको। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, जब मैंने पहली बार आपको क्लास 5 में फ्रैक्शन बताया था, तो मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे किसका? केक काटने का। हाँ जी, वैसे मेरा बर्थडे चले गया, अभी मैं केक काट लेता। आपको भी आना है केक काटने? तो आ जाओ, यहाँ देखो, बहुत प्यारा सा केक। अपने बर्थडे में मतलब, तो सब तो अपने बर्थडे में एक केक लाते, मैं अपने बर्थडे में एक नहीं, 3 केक लाऊंगा। चलो जी, तो हम यहाँ पर 3 केक बना लेते हैं। गोल गोल केक है ये, केक गोल है। ठीक है, अब जो है इसको कट करना है। आप आओ कट करने के लिए। आप क्या करो, नहीं अभी आप रुको, मैं पहले कट कर लेता हूँ। ठीक, मैं इसको जो है ना 2 बराबर भाग में कट कर देता हूँ। अरे अच्छे से कट कर, यूं 2 बराबर भाग में कट हो गया। इसको मैं 4 बराबर भाग में कट कर देता हूँ, 4 बराबर भाग। हाँ भैया, इसको जो है मैं 8 8 क्या, छो जल्दी बोलो, 4 हो गया। लीजिए 8 बराबर भाग में कट कर। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशान नहीं ना? ठीक है भैया, अब केक को कट करने से सिर्फ नहीं होगा ना, अब केक को खाना भी है। खाना है ना? चलो जी, पहले मैं खा लेता। बाद में खाने को मिलेगा कि ना मिलेगा, चलो पहले मैं ये भाग को खा लेता हूँ। यार ये भाग मैंने खा लिया, ये भी भाग मैं खा लेता हूँ, यूँ ये भी भाग मैंने खा लिया। अब इसमें मैं ये 2 भाग इधर से खा लेता हूँ और 2 भाग इधर से खा लेता हूँ। ठीक है जी, 2 भाग इधर 2 भाग इधर, मतलब इस केक को हमने 2 बराबर भागों में बांटा था। इस केक को मैंने 4 बराबर भाग में बांटा था। इस केक को मैंने, भैया इस केक को आपने कितने भाग में? 8 भाग में बांटा था। लेकिन इस केक में हमने सिर्फ 1 भाग को ही खाया, इसलिए ऊपर में 1 आया। मतलब 2 भाग में से 1 भाग को मैंने खा लिया। इस केक में, मतलब इस केक में मैंने क्या किया, 4 भाग में कट करने के बाद इस 2 भाग को मैंने खा लिया। अगेन इस वाले केक में, इसको 8 भाग में कट करने के बाद मैंने इसके 4 पोर्शन को कंप्लीट किया। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि ये जो यहाँ पर ये फॉर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते सैडेड फॉर्म। क्या कहते? सैडेड फॉर्म, सैडेड फॉर्म। मतलब हमको कोई चीज़ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो क्या हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते? हाँ भैया, इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। जैसे यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किए। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किए। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, इसको भी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किए। ये तो बात हुई। अच्छा एक बार मैं ट्राई करता, ये तो मैंने केक का कट, मतलब कटिंग मैंने किया ना। अगर आपको कट करना होता तो आप क्या करते? रुको, पहले मेरे द्वारा कट किए हुए भाग को मिटा देते। अब मैं बताऊंगा आप किस प्रकार कट करते। रुको जी, ये हमारा केक, ला 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 ला। देखो अब मैं अगर आपको बुलाता, अरे आप तनिक केक को कट कर लेते, तो आप क्या करोगे? भैया इसको मैं 2 भाग में बांटना, मतलब इसको हमें 2 भाग में बांटना और 1 भाग मुझे खाना। रुकिए भैया, यहाँ से पहले मैं इसको 2 भाग में बांट लेता, छोटा सा है, एक नन्हा सा 1 भाग इधर से कट कर दिया, जिसमें से ये 2 भाग में बट गया। अब ये सारा भाग मैंने खा लिया भैया। हाँ जी, आपने ये सारा भाग ऐसे कट करना है आपको क्या? अगर इसमें करना होता 2 भाग, मतलब इसमें भी आपको 4 भाग में कट करना होता और आपको 2 भाग खाना होता, तो आपका क्या थी? फिर यहाँ से छोटा सा भाग, बहुत छोटा सा भाग यहाँ पे कट, फिर एक बड़ा सा भाग यहाँ पे कट। ठीक, अब ये 2 भाग को छोड़ करके बाकी 2 भाग को आपने खा लिया। भैया ये मेरे साथ तो ये गलत हो रहा है।
ये मैंने आपको कट करने के लिए बुलाया, ये आपने कौन कौन सा कट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, यहाँ पर इसको 8 भाग में बांटना, फिर से आपने वहाँ यहाँ पर भी वही काम कर लिया। तो यहाँ पर समझना है, जब भी हम लोग सेडेड फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते तो इक्वल पार्ट्स में कट करते, इस तरह धोखेबाजी नहीं चलेगी। हाँ जी, मतलब आपको इक्वल पार्ट्स में कट करने होंगे। भैया इसको इक्वल पार्ट्स में कट करना होगा, ये कहाँ, ये कब आपने कहा, ये तो आपने नहीं कहा था इसको इक्वल पार्ट्स में कट करना पड़ेगा। आपने ये गलत किया, आप मुझको पहले बोल दिए हाँ इसको इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तब बराबर बराबर कट करना। यहाँ तो मैंने कट कर दिया अपने अनुसार, लेकिन यहाँ ध्यान दो, अभी क्या सीखे हम लोग, जब भी हम लोग सैडेड फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इक्वल पार्ट्स में कट होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी सैडेड फॉर्म दिया हुआ रहेगा उसको किस प्रकार हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। कोई दिक्कत ना, ना ना कोई दिक्कत नहीं ना, ना ना भैया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक मैं फिगर बना रहा हूँ, एक आपको बताना है फ्रैक्शन क्या। मेरे प्यारे मार्कर बना दो फिगर, मेरे प्यारे मार्कर बना दो फिगर, इतना प्यारा बनाना है फिगर। सब बराबर है ठीक है, आपको इसको नापना नहीं दिया क्यों, तो एक बार नापत है भैया, लोचा है यहाँ देखो पहले लोचा है, सब बराबर है आपस में ठीक है। अब यहाँ पर इस चारों भाग को मैंने सेट मतलब छायांकित कर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, पहले गिनना है, पहले यहाँ पर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना। हाँ भैया, तो बटे दे देंगे नीचे में क्या लिखना कि एक डब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बा है, नीचे 10 लिखते हैं। कितना भाग को हमने सेट किया मतलब कितना भाग को हमने छायांकित किया, ये हुआ छायांकित भाग ठीक है। छायांकित भाग कितना छायांकित भाग है, तो भैया छायांकित भाग है इसमें 1 2 3 4 चार भाग छायांकित। हाँ जी, तो इस तरह हम लोग जो है सैडेड फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं। अब एक चीज और है जो हमें समझना पड़ेगा, पहले नाम देख लेते हैं, नाम सुन के डर मत जाना, वो क्या है भैया, वो है आपका फ्रैक्शनल नंबर। ला 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 ला, ये क्या हो गया है, फ्रैक्शनल नंबर क्या है। इसके लिए आपको याद रखना जो बचपन से आप पढ़ते हुए आए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब अच्छे से याद होने चाहिए। फिर उसके बाद 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th ये सब याद होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट, अच्छा इसको हम लोग क्या कहेंगे सेकेंड, इसको हम लोग क्या कहेंगे थर्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, इसको हम लोग कहेंगे फोर्थ। अब क्या बहुत हो, चलिए और लिखना 5th 6th 7th 8 बहुत हो, चलो यहाँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कैसे इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करें, जो ऊपर में होगा उसका इंग्लिश नेम लिख देना, मतलब इसको क्या लिखना है ऊपर में क्या है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद नीचे क्या है 10, तो 10 में हम लोग इस ऑर्डिनल फॉर्म को लिखेंगे, जो नीचे में रहेगा उसको ऑर्डिनल फॉर्म में लिखना है, तो 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 10th, बोलो 10th, लेकिन इसमें ऐसे लगा देना 10th। हाँ जी, तो 4 10th, कोई तकलीफ कोई समस्या ना, ना कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म बड़े आराम से कन्वर्ट होता है, जस्ट लाइक ये है 2/3, इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या कहेंगे भैया, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग कहेंगे ऊपर में क्या है 2 है तो 2 लिख दिए, नीचे में क्या है 3/3, तो पहले यहाँ पर डैश है तो छोटा सा डैश यहाँ लगा, फिर नीचे क्या है 3/3, थर्ड में ऐसे लगा देना थर्ड, हो गया और क्या करना, बस बहुत हलवा है ना हलवा। हाँ जी, जैसे एक हम लोग करते भैया एक करेंगे, एक हम भी कर लो कर लेते हैं, चलिए कीजिए कीजिए। जैसे 7/9 भैया, 7/9 7 को क्या कहेंगे, 7 का 7
कर ली, फिर डैश मतलब बटे बटे के लिए छोटा सा डैश ले ली, फिर नाइन का ऑर्डिनल फॉर्म भैया लेंथ होता, हाँ आता है निम्थ, कोई तकलीफ कोई समस्या कोई परेशानी, मैं कुछ दे रहा आपको तीनों नहीं समझो, मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दूंगा उसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म और फ्रैक्शनल नंबर समझ में आया। हाँ जी चलो, बहुत प्यारा प्यारा सा मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पाँच दूंगा, पाँचों में पाँचों सही होने चाहिए, कोई चापलूसी नहीं चलेगी, इसको मैं मिटा दूँ इसको मिटा दूँ। यहाँ पर आपके सामने सैडेड फॉर्म है, इस सैडेड फॉर्म को कन्वर्ट करना, देखो कुछ फिगर बहुत प्यारा बनेगा, उस पर नाराज नहीं होना, बहुत प्यारा बनेगा ठीक। इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में और फ्रैक्शनल नंबर में दोनों में कन्वर्ट करना है। हाँ भैया एकदम बच्चों वाली चीज़, ये सब बहुत हम लोग किए, सैडेड फॉर्म नहीं किए इसमें। अगेन अगेन अगेन, ज़्यादा नहीं लगता, आराम से बनाओ, थोड़ा सा ज़्यादा लेके क्या करो, अब रोना नहीं है भैया ये बराबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना ठीक, वरना आप लोग कहने लगते हो ना भैया आपने गलत किया ये बराबर तो है ही नहीं। हाँ जी, यहाँ पे चार ट्रायंगल है जिसमें से एक ट्रायंगल जो है ना वो रंगीन। चलो तीन क्वेश्चन आपके सामने, तीनों का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, मतलब इसको फ्रैक्शनल नंबर लिखना, कि मैं क्या कह रहा हूँ, पहले फ्रैक्शन लिखना है आपको और फिर फ्रैक्शनल नंबर लिखना है ठीक, इसका फ्रैक्शन लिखना फिर उसके बाद इसका फ्रैक्शनल नंबर लिखना, हो जाएगा हाँ हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर क्या है, कितने भाग में बटा हुआ है, आठ भाग में, तो फ्रैक्शन क्या होगा टू बाई एट, अगेन फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा टू एट ठीक है, इसमें एथ में टी एच लगा के आपको एस लगा देना, कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं ना, चलो बन जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आपको फ्रैक्शन लिख के दूंगा, आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना भैया, इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे टू बाय टू, सेवन बाय नाइन, वन बाय फोर, क्या दे दूँ, चलो नाराज मत होना हल्का हल्का दे रहा हूँ, थ्री बाय क्या इलेवन, और तो सब हल्का, और एट बाय सिक्सटीन, इस पांचों को आप फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करो, और एक दो क्या फ्रैक्शनल नंबर को, अच्छा नहीं छोड़ो वो सब हो जाएगा आपसे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाला, तो फटाफट से इसको बनाओ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे सामने यहाँ पर प्यारा सा फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मिटा देते हैं ठीक जी, इसको हम लोग मिटा देते हैं मिट जाइए। अब यहाँ पर बहुत प्यारा सा फ्रैक्शन है टू बाय टू, अच्छा ये सब हटाओ, ये सब क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा ठीक है, इसको हटाओ। अभी हम लोग क्या क्या सीखें, हम लोग अभी स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर देखें, हमारे सामने वन बाय थ्री, अब वन बाय थ्री इसका फ्रैक्शन है, ये इसका फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा वन थर्ड, कोई तकलीफ कोई समस्या ना 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 ना, कोई तकलीफ कोई समस्या आने ही नहीं देने ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे भैया जी, अब हमको वन थर्ड में हमको ये बताइए, ये जो फ्रैक्शन है इसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं नीचे वाले को क्या कहते हैं, कुछ समझ में ना आवत है, तो देखो जो नीचे में है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। देखो ये चीज़ें बेहद इम्पोर्टेंट, पूरे फ्रैक्शन में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बस आपको पूरे अपनी पैनी नज़र, मैं अपनी पैनी नज़र लगा के देख रहा हूँ, आपको वही काम करना है। यहाँ पर थ्री हमारा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और वन हमारा क्या है न्यूमरेटर, ऐसे न्यूमरेटर को हम लोग कहते हैं अंश, क्या कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हम लोग कहते हैं हर, तो हिंदी भी कुछ ध्यान में रखना होता है ठीक। तो ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, हाँ भैया ये तो हमको समझ में आ गया। आप ये बताओगे आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर कौन,
भैया न्यूमरेटर क्या 8 है? ना 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 ना, 7 है न्यूमरेटर और 8 हमारा है डिनोमिनेटर। हाँ जी। अच्छा आप ये बताओगे 2/7 इसमें न्यूमरेटर कौन है? 2 है। डिनोमिनेटर कौन है? 7 है। इसमें 1/9 इसमें अंश कौन है? भैया अंश, अंश ये क्या होता? अरे न्यूमरेटर को हम लोग अंश कहते हैं, तो अंश कौन है भैया? इसमें अंश है 1। और हर कौन? हर भैया, हर कहाँ बताए कुछ, ये हम पढ़े ही नहीं। आपने हर नहीं बताया है भैया, आप हर नहीं बताए हो। यहाँ ध्यान दो, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर को हम लोग हर कहते हैं, इसमें हर है आपका 9। मैंने कहा ना हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान में रखना। हाँ जी। अच्छा आपके सामने कुछ मैं और लिख रहा हूँ, ठीक, आपको बताना है। क्या बताना है आपको? मैं बताऊँगा फिर आपको क्या बताना है। ला 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 ला, 2/3, 7/9 और रेचिस लिख, और 8/7। यहाँ पर 3 फ्रैक्शन दिया होता है। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन है भैया? ये न्यूमरेटर है जिसको हम लोग अंश कहते हैं। हाँ भैया, न्यूमरेटर ये हमारा डिनोमिनेटर है। अच्छा आप बताओगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में छोटा कौन है? न्यूमरेटर और एन से न्यूमरेटर, ठीक, जिसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको हम लोग हर कहते हैं। मैं 3 से 4 बार इस चीज को लिख रहा हूँ, पता है क्यों? आप सीखोगे सीखोगे सीखोगे, लेकिन नहीं, आपको सीखना है। यहाँ पर एन जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसमें छोटा कौन है? जल्दी बताओ, इसमें छोटा कौन है? हल्दी हल्दी। और बड़ा कौन है? जल्दी से। अच्छा आप ये देखो, हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, इस दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है? भैया डिनोमिनेटर मेरा 3 हुआ, न्यूमरेटर हमारा 2 हुआ, तो डिनोमिनेटर हमारा 3 है, ये आपका बड़ा है, ये ग्रेटर देन। तो डिनोमिनेटर जब ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तब उसको हम लोग क्या करते? भैया फिर से बोलिए आप क्या कहें। अच्छा इसको रहने, इधर देखो, इसमें डिनोमिनेटर कौन है और न्यूमरेटर कौन है, मतलब अंश कौन है और हर कौन है? जल्दी 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 बताओ, अंश और हर में कौन बड़ा है? जल्दी से बताना है आपको, डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, इसमें से बड़ा कौन है? भैया इसमें बड़ा है हमारा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, जल्दी से। भैया इसमें हर 9 है और अंश 7 है, डिनोमिनेटर 9 है और न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 9 न्यूमरेटर 7, तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है। इसमें वही है क्या? ना 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 भैया, इसमें तो मेरा न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कौन बड़ा है? तो न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 7 है, मतलब अंश मेरा कितना है? अंश 8 है और हर कितना है? 7 है। अंश बड़ा कि हर बड़ा? भैया अंश बड़ा है, तो अंश बड़ा है। कोई तकलीफ कोई समस्या, इसी को हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर का, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर का, तो उसको कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? अगर डिनोमिनेटर लेस देन है न्यूमरेटर का, तो उसको कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? इसको समझना है बस, समझ रहे हो? हाँ भैया आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत लेट हो रहा। तो यहाँ देखिए, इसमें आपका 2 आता है, एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया अब मजा नहीं आ रहा, एक आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भैया नाम तो लिखा दिए, लेकिन जानते हैं यहीं पर आकर के जो है मेरी गाड़ी नाव में डूब जाती है, मेरी गाड़ी नाव में डूब जाती है। अच्छा डूबना नहीं है, जब भी डूबो ना अपने भाई आयुष को याद रखो। हाँ जी, सपोज मैं यहाँ हूँ, यहाँ कहाँ? मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ हूँ, सपोज यहाँ विक्की भैया, ठीक, विक्की भैया, हाँ ठीक है ना, ऊपर पे आपका आयुष। अच्छा आयुष और विक्की भैया में न्यूमरेटर कौन है? भैया आयुष है। डिनोमिनेटर कौन है? भैया विक्की भैया। हाँ जी। अच्छा अगर मैं नीचे में हूँ और आयुष ऊपर में है, क्या मैं आयुष को पकड़ सकता? आयुष तो यहाँ पर है, छोटा सा आयुष है, मेरा हाथ जा सकता? हाँ भैया बोलो, नहीं जा सकता। मतलब अगर समझना, अगर ये डिनोमिनेटर, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना,
अगर ये डिनोमिनेटर ग्रेटर देन बड़ा हो न्यूमिनेटर से, अगर विक्की भैया आयु से बड़े हैं, अगर विक्की भैया आयु से बड़े हैं तो विक्की भैया आयुष को पकड़ सकते हैं। पकड़ मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, विक्की भैया आयुष को पकड़ सकते हैं मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में विक्की भैया आयुष को पकड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता? ग्रेटर देन होता, डिनोमिनेटर बड़ा होता। डिनोमिनेटर बड़ा होता तो प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलो मेरे साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। बातें समझ में आ रही? तो क्या सीखा आपने? आपने यही सीखा कि प्रॉपर हम उसी को कहेंगे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। बोलो मेरे साथ, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसे बताओ, ये प्रॉपर या ये प्रॉपर या ये प्रॉपर? तो हम लोग सीधा डिनोमिनेटर के पास चल जाएंगे। डिनोमिनेटर भैया आप बड़े हैं छोटे हैं? आप तीन हैं, मतलब विक्की भैया के अंगत में आते? हाँ जी। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, आप क्या है? आपका डिनोमिनेटर क्या है? भैया आपका डिनोमिनेटर है 9। भैया 9 है, मतलब भैया क्या बोले थे? भैया बोले थे अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ जी, तब ना विक्की भैया पकड़ लेंगे। जब विक्की भैया बड़े होंगे तब ना इसको पकड़ेंगे, मतलब विक्की भैया नीचे में रहते, अब नीचे वाला बड़ा है, मतलब ये डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है क्या? भैया बोले थे अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब जाके प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है ही नहीं, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर छोटा हो, मतलब जब नीचे आ गए, जो मतलब समझना है, जब निचले आदमी छोटा होगा वो कैसे पकड़ेगा? इम्पॉसिबल है पकड़ना। अगर आप नीचे में हो, आप छोटके हो, तो बड़े आदमी पकड़ पाओगे? ना ना पकड़, मतलब कितनों होगा बिना हाथ ऊपर किए कैसे पकड़ोगे? ऐसे से पकड़ोगे नहीं ना। आप नीचे में हो और कोई ऊपर में है, आपको पकड़ना है उसको बिना हाथ ऊपर किए कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ पाओगे, मतलब इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल है मतलब इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं। हाँ भैया, अब याद कैसे करें? फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूँगा। हाँ जी, चलिए फिर से सुनिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो यदि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, उसको कहेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ रहे हो? अगेन, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, उसको भी कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर, तो उसको कहेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले इसको अच्छे से एक बार देखो। आप देख लिया आपने? हाँ भैया, हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब हम लोग जो है इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। हमको एकदम अच्छा सा डेफिनेशन लिखा है, बहुत प्यारा सा, जो कि हमको याद हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है डेफिनेशन? तो आपको बोलना है कोई फ्रैक्शन हो उसको तभी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कब कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन भैया जी? तब हम लोग कहेंगे जब कोई फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इज, बोलो, ए फ्रैक्शन इज प्रॉपर। कोई फ्रैक्शन प्रॉपर तब होता, कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर तब होता है, ए फ्रैक्शन इज प्रॉपर इफ, यदि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। If its, बोलो, denominator, अरे अच्छे से उपजा, denominator, proper मतलब denominator greater है, denominator is greater than numerator, हाँ भैया ये तो बहुत हलवा था, इसका example दो बाय थ्री। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, इफ इट्स डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो वो हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा लिखना पड़ेगा, अच्छा लिख देता हूँ, ध्यान से समझो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ला 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 ला, क्या होगा? इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इफ, यदि इट्स डिनोमिनेटर क्या था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का? यदि डिनोमिनेटर लेस देन हो न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन, कमर टूट गई हमारी,
लेस देन इट्स न्यूमरेटर। हाँ भैया समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या था यहाँ पे इट्स मैंने लगाया है, ठीक है ध्यान से समझना। चलो बातें समझ में आई, काम की बात खत्म। बातें समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया बातें समझ में अच्छे से आई कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहेंगे अगर डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर देन होगा न्यूमिनेटर। मतलब का निचला हमेशा ग्रेटर रहेगा तब प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर निचला जो है ग्रेटर नहीं है मतलब लेस देन है तो वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमेशा अभी जो हम देखेंगे पूरा का पूरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर रहेगा। बस थोड़ा सा 5 मिनट और हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बनाने के लिए सवाल लेंगे। पहले इसको अच्छे से देख लो आप, ठीक है जल्दी से देखो और कॉपी में डाउन करो, मतलब नोट डाउन करो, इसका नोट कंप्लीट करो। नोट कंप्लीट भैया एक बात हमको हिंदी बता दीजिए ना, थोड़ा सा हिंदी भी समझ लेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी होता है सम हिन, हाँ भैया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी होता है विषम हिन। वैसे तो काम नहीं पड़ता लेकिन काम बहुत जरूरी, हमारी मातृभाषा है इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। समभिन्न किसे कहते हैं? कोई भिन्न, उसको हम लोग तभी समभिन्न कहेंगे जब हर अंश से बड़ा, ठीक, जब हर अंश से बड़ा हो उसे समभिन्न कहते हैं, जब हर अंश से छोटा हो उसे विषमभिन्न कहते हैं। यदि हर अंश से बड़ा हो उसे हम लोग समभिन्न कहते हैं और यदि हर अंश से छोटा हो उसे हम लोग विषमभिन्न कहेंगे, मतलब विषमभिन्न कहेंगे। हाँ जी चलो फटाफट से हम लोग क्या देखने वाले हैं इसके बाद। हम लोग ये प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब समभिन्न देख लिए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषमभिन्न देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? अब हम लोग अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर आएंगे भैया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अभी तक हम लोग क्या क्या देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शनल नंबर में लिखना, हाँ जी, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता इसको भी देख लिए। बातें समझ में आई? चलो जी अब आगे क्या देखना, अब हमको आगे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है हमको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, दोनों को दोनों में कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग को एग्जांपल लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 2 integer 2 by 7, ठीक है, ये हमारे सामने एक प्यारा सा नंबर है, हाँ भैया, इसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। कहाँ बोल रहे हैं कुछ समझ में ना आवत है, आपने ये क्या लिख दिया, हम लोग सीखे हुए हैं, हाँ जी मैंने सिखाया हुआ है एक कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई और इसको ऐड, यहाँ मल्टीप्लाई फिर जोड़, पहले गुना आवेगा फिर जोड़ होवेगा, पहले गुना आवेगा फिर जोड़ होवेगा, समझना है, पहले यहाँ से यहाँ गुना जाएंगे, इधर से जाएंगे, इससे जाएंगे, गुना आवेगा फिर ऐसे जो इसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे ऐसे घड़ी घूमत है तो ऐसे अगर आएंगे तो गुना होगा, फिर ऐसे जाएंगे तो जोड़ होगा, पहले गुना फिर जोड़, पहले गुना फिर जोड़, पहले गुना फिर जोड़, हाँ भैया चलिए 7 और 2 का गुना, फिर 2 को जोड़ना, बटे नीचे में 7 है तो बटे नीचे 7, कोई तकलीफ। जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल है 3 पूर्णांक 7 by 8, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले बटे लिख देंगे, बटे के नीचे 8 है तो 8 लिख, उसके ऊपर क्या करेंगे, पहले गुना फिर जोड़, 8 और 3 का गुना फिर 7 को जोड़ना। एक और देखते 2 by 3 by 7, इसको कैसे करेंगे, पहले बटे लिख दिए, अब नीचे 7 है नीचे 7 लिख दिए, कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ कहाँ, इसमें तकलीफ की क्या। अब यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर ली, अगेन 3 को क्या करना, ऐड करना 3 को, कोई दिक्कत नाना जी, कोई दिक्कत ना, इसको सॉल्व करते 7 × 14 = 14 भैया 16/7 होता। क्या सुकून मिल रहा भैया, इतना हलवा हलवा चीज़ है, 8 + 24 = 24 भैया, 24/7 क्या होता, नहीं आता नहीं आता, अरे रे 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 31/8, हाँ जी समझ में आ रहा, ठीक है इसको देखो 7 × 14 = 14 भैया 17 17/7, कोई तकलीफ ना ना, कोई तकलीफ ना, इसमें तकलीफ की क्या बात है। चलो हम लोग जो है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था, ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन था, मिक्स्ड। कैसे जानेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन,
जब ये लुल्की निकला होगा समझ रहे हो, टू इंटीजर 2/7 अलग से अगर बाहर में कोई संख्या हो, इसे यहाँ पर 3 इंटीजर 7/8। और एक बात ध्यान में रखना, समझ लो इसे 2 इंटीजर 2/7 मैंने ये लिखा ना, इसको हम लोग और क्या लिख सकते, यहाँ पर प्लस छिपा रहा है ठीक, 2 और 2/7 के बीच में प्लस रहता है। भैया हम आपकी बात कैसे मानेंगे कि प्लस रहता कि ना रहता? अरे बाबू यहाँ देख, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब तो मानोगे ना। अरे रुक जा, अरे कहाँ गया तो, अरे कहाँ चले गया? अच्छा बाद में खोजेंगे, यहाँ देखो। हाँ खोप से दुखी होकर के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, नीचे एक छिपा होगा, 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 7 होगा। इस 1 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता भैया? 7 टाइम्स में। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 × 7 = 14, ये हमको आता भैया। 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आता, 1 का पहाड़ा 2 बार, तो कितना हो गया 16/7 निकला। 16/7 दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पर जोर छिपा हुआ। यहाँ पर क्या छिपा हुआ? यहाँ पर जोर छिपा हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3+7/8। इस दोनों के बीच में जोर छिपा हुआ रहता है, याद रखना। इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2+3/7, हमेशा ध्यान में रखना, जोर छिपा हुआ रहता है। बेहद कभी कभी काम देगा, ऐसा कोई बात नहीं कि काम नहीं देगा आपको ठीक। अगेन हम लोग अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए, अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे यहाँ इसको ऊपर से हटा, हाँ तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इसमें कन्वर्ट करना। 16/7 ये क्वेश्चन हमारा है। हाँ भैया अब क्या करेंगे, पहले 7 से 16 में भाग दे दिया था, हाँ इसको ध्यान से देखना। 7 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता भैया? 7 × 14 भाग लगेगा, हाँ लगेगा भाग, शेषफल 2 आ गया, बस हो गया। ऐसे नाचना है जैसे घड़ी घूमती है ना, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही नाचना। हर बार हम लोग घड़ी की दिशा में ही जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हैं, नहीं घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, ये 2 एक्स्ट्रा भाग में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16/7 = ये 2 है, पहले 2 लिख लिए, फिर प्लस जो कि छुपा रहा था मैंने बताया अभी तुरंत, फिर नीचे 2 है, 2 ऊपर कर लिए, नीचे बड्डे दे दिए, और यहाँ 7 है तो 7। कोई तकलीफ, एक बार फिर से लिखना सीखो, पहले बड्डे लिख देंगे, बटे की इस साइड यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ 2 है 2 ऊपर चले गए, फिर 7 नीचे है 7, समझ रहे हो कैसे लिखना? फिर से मैं लिखाऊँ, फिर से लिखूँ, इस बटे के आगे में यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, नीचे 2 है ऐसे जाना, फिर नीचे 2 है तो 2 ऊपर में, फिर 7 है तो 7, कोई तकलीफ ना ना, कोई तकलीफ नहीं। फिर यहाँ पर देखो 31/8, इसको क्या करना, 8 से 31 में भाग देना। अब भैया कितने बार में लगेगा? अब मैं कुछ नहीं बोल आज, कुछ ना बोल रहा। अब देखो कैसे बनाना है 31/8। अब क्या है, घूमना इस तरह, पहले बटे दे दिए, बटे आगे में 3 देना, फिर 3 के बाद 7 है 7 लिखे, फिर 7 के बाद 8 है 8 लिखे, हो गया, कोई तकलीफ कोई समस्या। अब बनाने के लिए, हाँ जी ऐसा कभी हुआ है मैं बनाने नहीं दूंगा? ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना ही होगा। अब देखिए बनाने के लिए बहुत प्यारा सा पहले ले लीजिए, इसको बनाना है आपको कन्वर्ट, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन आपका 2 इंटीजर 7/9, 3 इंटीजर 2/7, 4 इंटीजर 7/9, 3 इंटीजर 2/4, 5वां 12 इंटीजर 2/11। सही, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगेन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, छोड़ दो इतना क्वेश्चन लिखना जरूरी है? भैया लिखिए, हम लोग से लिखवाते हैं कन्वर्ट इम्प्रॉपर। अच्छा ऐसे बोलना ठीक लगता? बिल्कुल गलत, ऐसे कभी ना बोलना फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कि बोलना है ऐसे। भैया बोल सकते हैं हम लोग आपकी दीदी है ना, बड़ी की दीदी, तो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो 42/8 9/2 14/5 अगेन 13/12 और लास्ट 7/2। ये हो गया क्या? ये नहीं हुआ। चले ये सबको बनाना है। इसके बाद हम लोग तीन क्वेश्चन बनाने के लिए, चलिए इसको फटाफट से मिटा देते हैं। अब आपके सामने तीन क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ओके जी, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो ये वन है वो कौन सा फ्रैक्शन है। आपके सामने ऑप्शन आ रहा, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है भैया? ये क्या पूछ रहे हैं? क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? आपको इस दोनों में से चूज करना है, ये वन क्या हो सकता, प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता, ये बताना आपको। सेकंड क्वेश्चन ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या, वन क्या है, आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न है क्या विषम भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना भैया। इसके बारे में तो बता ही नहीं आप। अच्छा कोई बात नहीं, अगेन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना कि 2 पूर्णांक 7/9 इसको जो है ना कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना, इसको आपको कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। हाँ भैया ये कर लेंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और कुछ दे देते, इसमें से आपको 2 पूर्णांक 7/9 है और आपका 3 पूर्णांक 2/8 है और आपका 13 पूर्णांक 2/7 ठीक। अगेन एक लास्ट आपको जो है एक ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना, क्या लिखना है, राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना जिसका क्या हो भैया डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ऐसा आप 5 लिखोगे फ्रैक्शन। और दूसरा क्वेश्चन ये ए नंबर, दूसरा क्वेश्चन न्यूमिनेटर जो है भैया क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऐसा आपको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक काम करते हैं, 3 नहीं इसको कर दे 13। हाँ तो अगर न्यूमिनेटर 13 है आपको 5 जो है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना, अगर डिनोमिनेटर 7 है तो आपको 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना। आप बोलोगे भैया ये हमको ना बताए, ना ही ये बताए, और आप बोल रहे हैं बनाने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा आपके सामने मैं बताता, थोड़ा सा हिंट्स कर देता, आपको बनाना होगा, इसलिए मैं दे रहा हूँ ना भैया, आप मेरे साथ बहुत गलत करते हैं। हाँ ऐसा क्वेश्चन क्यों देते जो नहीं बताते, इसके लिए हम लोग धरना रखते, भूख रखते। हाँ अच्छा देखो, यहाँ देखो बनाना कैसे, वो देखो हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना, हम लिख दिए इम्प्रॉपर 3 4 5 2 2 4 1 लिख दिए, आपको दिख रहा, कहाँ दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा, दिखेगा। क्या है पहला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऊपर कि नीचे, डिनोमिनेटर कहाँ, नीचे या ऊपर भैया, डिनोमिनेटर डी नीचे, नीचे मतलब नीचे रहेगा 7, सब जगह 7 रहेगा, लिख दिए 7। और ऊपर क्या करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर मतलब मतलब इम्पॉसिबल है पकड़ना, ऊपर बड्डा है तब ना इम्पॉसिबल हो रहा, मतलब नीचे से बड्डा ऊपर होगा तब ना इम्पॉसिबल होगा पकड़ना। हाँ भैया ये तो सही कहा, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, नीचे से ऊपर क्या है, बड्डा आदमी रखा हुआ है, इसलिए उसको पकड़ना इम्पॉसिबल है, इम्प्रॉपर तो नीचे से बड़ा ऊपर होगा, तो ऊपर बड़ा करना, 7 से बड्डा कुछ भी ले, 8 9 10 11 12 इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते, बन गया भैया। ये तो आपने सॉल्यूशन ही कर दिया, मैं मिटा देता, आप देख लोगे तो यहाँ देखो नीचे वाले को आपको बनाना, यहाँ पर 5 फ्रैक्शन लिखना बी नंबर में, 1 2 3 4 5 इसे 5 फ्रैक्शन में जो है आपको क्या करना, न्यूमरेटर 13 रखना,
न्यूमरेटर मतलब ऊपर या नीचे? भैया न्यूमरेटर कहाँ होता, न्यूमरेटर हमारा जो है ऊपर पे होता, तो ऊपर पे 13 आ गया, 13 ऊपर पे आ गया। हाँ भैया ये तो हो गया। हाँ अब जो है नीचे में क्या होगा भैया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? नीचे वाले आदमी के लिए इम्पॉसिबल है ऊपर पकड़ना, नीचे वाले आदमी के लिए क्या है? इम्पॉसिबल है ऊपर जाना, मतलब नीचे से बड़ा ऊपर होगा। हाँ भैया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर लेस देन, डिनोमिनेटर छोटा, तो यहाँ छोटा होना चाहिए। मैंने बताया ना प्रॉपर मतलब डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर मतलब डिनोमिनेटर छोटा। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना, डिनोमिनेटर छोटा होगा, 13 से छोटा भैया 12, 9, 3, 1, 2 कुछ भी लिख दे, मेरा मर्जी आप उनका। ये मैं क्या कर रहा, चलो जी आप इसका मतलब ये तीनों क्वेश्चन बनेगा भैया। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से मिटा दीजिए ना, वरना मैं देख लूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको चेंज में कर देता, यहाँ 9 करना, यहाँ पर आपको 11 करना, बन जाएगा। तीनों क्वेश्चन बनाना है, 2 सही करना। चलिए भैया आप अगर 3/3 खाते ना, हम सही कर देते, अगर जैसे ये आपने बताया वैसे अगर ये आप बता दोगे तो। ना 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 ना, ये आप मुझे बताओगे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ जी चल ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग फ्रैक्शन को जो है मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता, उसको नंबर सिस्टम में किस प्रकार रखते, इस ये सब हम लोग बाकी बाकी चीज़ें अगले क्लास में देखेंगे। चलो ठीक, मैं अपना कोप निकाल लेता, आप टट्टा, बाय बाय, सी यू।